हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 वेज टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आर्टिकल ओपन करूंगा जिस आर्टिकल को मैंने पब्लिश किया था। अगर आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना है देन आई विल ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन गो एंड रीड दिस आर्टिकल। अब हम देखेंगे टॉप 1 वे, दैट इज ब्लॉग पोस्ट। आप लोग इस तरीके से ब्लॉग पोस्ट लिख के मनी को अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को नीश सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप लोगों को नीश पता नहीं है कैसे सेलेक्ट किया जाता है, देन मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है टॉप 50 नीश फॉर ब्लॉगिंग। तेरे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एरा आर्टिकल टॉप 50 नीश फॉर ब्लॉगिंग। आप लोग कोई भी एक नीश को सेलेक्ट करके देन आप लोग ब्लॉग को सेटअप कीजिए विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगर और वर्डप्रेस। देन आप लोग आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए। एक बार आपने 100 आर्टिकल्स या फिर 50 आर्टिकल्स कंप्लीट कर दिया, देन आप लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। बाद में आप लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, देन आप लोग एड्स के थ्रू मनी को अर्न कर सकते हो। एरा एड्स, मैं इन एड्स के थ्रू मनी को अर्न करता हूँ। अब हम देखेंगे सेकेंड वे, दैट इज बाय क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको आर्टिकल लिखना पसंद नहीं है देन आप लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करके मनी को अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग नीश को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, सपोज आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, देन आप लोग इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोज़ को बना के YouTube पे अपलोड करके मनी को अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग YouTube चैनल क्रिएट कीजिए, देन आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। डेली एक वीडियो अपलोड कीजिए या फिर वीकली 4 वीडियोस आप लोग अपलोड कीजिए। एक बार आपने 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, बाद में आप लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, देन आप लोग एड्स के थ्रू मनी को अर्न कर सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड वे, दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में अगर आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है देन यू गो फॉर फ्रीलांसिंग। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग में होता क्या है, आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कंपनी से। कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट देती है, अगर आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया विद इन टाइम देन वो लोग आपको अमाउंट को पे करते हैं। अगर आप लोगों को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढना है, आप लोग अपवर्क और फ्रीलांसिंग जैसे वेबसाइट्स है, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेगा। ओके, अपवर्क ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, आप लोग इन वेबसाइट के थ्रू प्रोजेक्ट्स को या फिर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा के फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये रहा दोस्तों थर्ड वे टू मेक मनी फॉर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे फोर्थ वे, एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप लोगों को कमीशन मिलता है। सपोज आप लोग अमेजोन प्रोडक्ट्स को एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर कोई इंसान ने उस प्रोडक्ट को बाय किया जो लिंक आपने शेयर किया है, देन आपको 3 से 4% कमीशन मिलेगा। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब पे एंड गूगल पे। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर पढ़ के इस काम को शुरू कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट वे है टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे फिफ्थ मेथड, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है। इसमें भी बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं जैसे कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर किसी आर्टिकल को गूगल पे रैंक करवाना है देन SEO की मदद से वो किया जाता है। और ईमेल मार्केटिंग है, देन फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, देन गूगल एडसेंस। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है। आप लोग किसी भी एक डोमेन में एक्सपर्ट हो के बाद में आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। आप लोग फ्रीलांसिंग में ही डिजिटल मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ सकते हो, देन आप लोग इसके ऊपर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है देन गूगल का एक फ्री कोर्स है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ गूगल। आप लोग गूगल पे टाइप कीजिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग विथ गूगल। एरा कोर्स, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग इस कोर्स को एनरोल करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हो। गाइस, ये रहे टॉप 5 वेज टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट्स। अगर आपके एग्जाम्स और इंटरनल चल रहे हैं देन आप लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत कीजिए, फोकस मत कीजिए। अगर आप एग्जाम्स के टाइम पे इन चीज़ों पे फोकस करोगे देन आपका स्कोर कम आएगा एग्जाम में। इसलिए गाइस, मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत गलती की थी एग्जाम के टाइम पे। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था, आर्टिकल पब्लिश करता था, फ्रीलांसिंग करता था, देन मेरा स्कोर एग्जाम में कम आया था। वेल गाइस, दिस वॉज टॉप 5 वेज टू मेक मनी फॉर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।